दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे आप शायद ही जानते होंगे, क्योंकि यह घटना पाठ्यक्रम के इतिहास के किसी भी पन्नों में शायद ही आपको मिले। दोस्तों क्या आप किसी ऐसे राजा के बारे में जानते हैं जो तत्कालीन अंग्रेजों के भरपूर विरोध के बावजूद किसी विदेशी महिला से शादी की हो? दोस्तों दक्षिण भारत की एक छोटी सी रियासत पुडुकोटी के राजा मार्तन तोंडियन बहादुर, जिन्होंने मानो ठान ही लिया था कि शादी करेंगे तो विदेशी महिला से करेंगे। वैसे तो यह रियासत उस समय अंग्रेजों के सहायक के रूप में था, फिर भी अंग्रेज शासकों ने भरपूर कोशिश की कि इस शादी को रोकने की, लेकिन राजा इनके दबाव में न आकर विदेशी महिला से शादी कर मिसाल कायम किया। दोस्तों दरअसल अंग्रेजों की राजनीति ऐसी थी कि कोई भी राजा किसी भी विदेशी महिला से पहली शादी न करे। अगर उसकी पहली शादी किसी भारतीय से हुई हो तो वह विदेशी महिला से शादी कर सकता है। और इसके पीछे इनका तर्क यह था कि अगर पहली पत्नी विदेशी हुई तो इनका संतान रियासत या राज्य का उत्तराधिकारी होगा और वह अंग्रेज अधिकारियों की बराबरी करेगा, जिससे अंग्रेजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई राजा शादी करता है तो उसे अपने राज्य का या रियासत का त्याग करना पड़ेगा। राजा मार्तन की एक अमेरिकी महिला से हुई थी, जिसे अंग्रेजों के दबाव के कारण तोड़ना पड़ा। लेकिन एक बार जब राजा मार्तन ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे तो वो मेलबर्न में जिस होटल में ठहर रहे थे वहीं उनकी मुलाकात मेलबर्न में रहने वाली एक खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन ज्योति मौली पिंक और उनकी माँ से हुई। राजा का दिल इस खूबसूरत ज्योति पे आ गया था और उन्होंने उससे शादी तो कर ली, लेकिन इसके बाद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें। अंग्रेजों ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसे अपनी गद्दी भी गंवानी पड़ी। देश छोड़कर राजा को फ्रांस में जाकर बसना पड़ा, लेकिन किसी भी तरह अंग्रेजों के दबाव में न आकर अपनी अंग्रेज पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। राजा को राजगद्दी अंग्रेजों के विरोध के चलते छोड़नी पड़ी। उन्होंने रियासत का उत्तराधिकार छोटे भाई को दे दिया। दोस्तों 1920 में मार्चेंट अपने बीवी और बेटे के साथ फ्रांस के केंस में जाकर रहने लगे। वो वहाँ की सोसाइटी के खास अंग बन गए थे, वहाँ की पार्टियों के शान होते थे। राजा के पास बेशुमार धन था, साथ ही उसके अपने राज्य से उन्हें काफी धन सालाना पेंशन के रूप में मिलता था। बड़ी बड़ी हस्तियां फ्रांस में उनके दोस्त थे। दोस्तों 1928 में राजा मार्तन का निधन हो गया। तब उनकी पत्नी मौली चाहती थी कि उनके पति का दाह संस्कार उनके रियासत पुडुकोटी में ही हो, तो अंग्रेजों ने इसकी भी अनुमति नहीं दी। फिर राजा का दाह संस्कार लंदन में हिंदू रीति रिवाजों से हुआ। आज भी लंदन में राजा का स्मारक बना हुआ। दोस्तों आप इस वाक्य के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे कॉमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।